हरे कृष्णा। आज की सरल कहानी में मिलकर प्रवेश करते हैं। रत्नाकर जो एक डकैत था, ऋषि नारद जी की शिक्षाओं के कारण ऋषि वाल्मीकि बना और महाकाव्य रामायण की रचना की। पापों के कारण वो राम नाम नहीं ले पा रहा था, तो नारद जी ने कहा कि तुम मरा मरा रटो। रत्नाकर राम नाम का उल्टा जपने से ही तर गया और ऋषि बन गया। राम जी ने अपने जीवन काल में सबको तारा, केवट, जटायु, सुग्रीव, शबरी, विभीषण, सबको मित्र और भाइयों जैसे स्वीकार किया। यहाँ तक कि राम सेतु के निर्माण के समय एक गिलहरी को भी प्रेम से उसके ऊपर अपनी उंगलियाँ फेरी। राम जी को पुरुषोत्तम कहा गया है। राम नाम लिखने से पत्थर भी तैरने लगे, डूबे नहीं, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। मनुष्य के पास तो बुद्धि भी है, हमें अपने मन और बुद्धि से राम नाम लेना चाहिए। राम नाम लेना और लिखना दोनों ही संजीवनी बूटी के समान है। रामानंद, कबीरदास, रामदास, तुलसीदास, त्यागराज, भद्राचल जैसे महान संत राम नाम को ही जपते जपते तर गए। श्री राम राम रामेति रामे मनोरमे, सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वर्णानने। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।